होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई बर्थडे मेकअप लुक। सो इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक, मेक श्योर टू थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज लाइक लिटरली वॉचिंग इन माई वॉल कलर, एंड दिस इज वेरी क्यूट एंड पेस्टल विद लेस एम्ब्रॉयडरी, एंड आई रियली लव दिस ड्रेस। लाइक हाउ आई डिड माई मेकअप ऑन माई बर्थडे, दिस इज माई लॉकडाउन बर्थडे, गोइंग एनी वेयर, एंड मैं घर में बैठ के ही ऐसे मेकअप कर रही हूँ एंड पिक्चर्स ले रही हूँ, वीडियोज बना रही हूँ, एंड देन शर्ट हिट, खाओ और सो जाओ। तो ऐसा बर्थडे था मेरा। सो मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया है, बस खाली मैंने मेकअप किया है, वो व्लॉग शूट किया है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टू मॉइस्चराइज माई फेस। नेक्स्ट दिन का टाइम है, मैं लूँगी पिक्चर्स वीडियोज, तो मैं बाहर भी जाऊँगी, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सनस्क्रीन, एंड ये है पॉन्ड्स सनस्क्रीन, और इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। मुझे वेट करना है 2 मिनट्स, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। पे ले रही हूँ नायका, प्राइम करूँगी। अप्लाई करने के बाद मुझे एटलीस्ट 1 मिनट इसे सेट होने के लिए वेट करना होगा, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। आई एम यूजिंग दिस स्टेक वर्की करेक्टर टू अप्लाई ऑन माई डार्कनर एरियाज। ये अप्लाई करेंगे ताकि हम अच्छे से करेक्ट कर पाए। यहाँ पे ले रही हूँ मेरे स्किन टोन का कंसीलर, एंड ये ब्रांड है वेट एंड वाइल्ड का, विच इज़ माई फेवरेट एंड मेरा एग्जैक्ट स्किन टोन है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई लिटिल बिट, बहुत कम अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो डॉट डॉट्स वे में, बहुत ही कम अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल्स अच्छे से कवर हो जाए और दिक्कत ना। सो ऑलराइट, तो मैंने डार्क सर्कल्स यहाँ पे लगा लिया है, अभी मैं यहाँ पे फाउंडेशन करूँगी ताकि सारा कवरअप हो जाए। फाउंडेशन के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ मिलानी, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैटे परफेक्ट फाउंडेशन, कवर फाउंडेशन, एंड दिस इज एरे कलर्स, क्योंकि मुझे मेरा स्किन टोन चाहिए तो मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ थोड़ा सा मिलाकर अपना स्किन टोन एडजस्ट करने के लिए। वेरी ब्राइटर वन, जो मेरे स्किन से थोड़ा सा लाइटर शेड आ गया था, एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस लिटिल वन नायका, सॉरी लैक्मे, एंड ये करेक्ट मेरे स्किन टोन का है, बट आई वॉन्ट टू गिव अ परफेक्ट कवरेज और फॉर माई फेस। इसको मैं थोड़ा सा टिंट दे रही हूँ, बहुत ही हल्का सा। ये लगाने के बाद मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से लगाने के लिए, सो इट विल लाइक सब्स्टिट्यूट ऑल ओवर माई फेस, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एज वेल एज ऑन माई नेक। फेस पर स्प्रेड करना है, एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर, विच इज़ अ वेरी गुड ब्यूटी ब्लेंडर, एंड आई बॉट इट फ्रॉम अ शीन। यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट डैब इट ऑन माई फेस लाइक दिस, हल्के से, और बहुत ही अच्छे वे में ब्लेंड हो चुका है, हो रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल लगती है स्किन। माई फेवरेट कंसीलर NYX लोअर माई आई एरिया, माउथ एरिया, आई लिड, एंड दिस गिव्स अ वेरी लिफ्ट। ओ आई फॉरगॉट ऑन माई ब्रिज ऑफ माई नोज फोरहेड। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस डार्लिंग एस्पिला करेक्टर, सॉरी कंसीलर, सॉरी कॉन्टोर स्टिक, एंड आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस। जो ऐसे शेप में है, एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर पे अच्छे से लगा रही हूँ, मैं अपने फेस पर ब्लेंड कर सकूँ ताकि मेरे फेस का ये जो भी है सेट हो जाएगा आराम से। यहाँ पे मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ शुगर का,
लगाऊंगी अपने आईज पर, अंडर आईज पर, ताकि ये बहुत ही अच्छे वे में सेट हो जाए. ऑलराइट, तो आई एम गोइंग टू सेट दिस ऑल. एंड दैट्स इट, इसको सेट होने के लिए रख देंगे. मतलब ये कोई बेकिंग का चैनल नहीं है, बस सेट होने के लिए थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे. ये जब तक सेट हो जाता है मेरे फेस पे, मैं करूंगी आई मेकअप. अब डर मत जाना, मैं कहीं भूतने लग रही हूँ फुट फुट. ओके, आपको डराने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं हूँ इस वीडियो में. ऑलराइट, तो ये है मिस रोज का पैलेट और मेरे ड्रेस से मैचिंग हो गए ये आई शेडोज, इसलिए मैं एक लुक क्रिएट करने जा रही हूँ आपके सामने. सो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ क्या क्रिएट करने वाली. मैन मेकअप ब्रशेस, तो ये वाला ब्रांड बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जो कि मैंने शीन से ऑर्डर किया था. फिर ब्रश जो कि ऐसा लगता है. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पहले लाइटर शेड. सो पहले लाइटर शेड के लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगी, शेड करूँगी और इसे अच्छे से मेरे क्रीज पर ब्लेंड करूँगी. ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, हल्के से लेना है और हल्के से प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है. ओके, जब तक मैं प्रोडक्ट ब्लेंड करती हूँ, अब मेरा एक गाना सुन ले. ऑलराइट, सो बहुत ही लाइट शेड से मैंने ये ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्कर शेड में जाऊंगी, वो है ये शेड. ऑलराइट, ये शेड. सो ये शेड मैं लूंगी और अपने क्रीज पर ऐसे हल्के से ब्लेंड करूंगी, ताकि मुझे आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा स्मोकी लुक आए. आप अपने बर्थडे पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा एंड सिंपल लुक. Darker brown shade, dab 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 and blend blend blend. I'm going to take this blacker shade very lightly. This way it's very good. Okay, so यहाँ पे आप देखो मैं बहुत ही हल्के वे में ब्लेंड कर रही हूँ. So इस वे में भी मैं वैसे ही ब्लेंड करूंगी, उसके बाद मैं और भी ब्लेंड करना है. बहुत ज्यादा सॉफ्ट एक मेटालिक शेड, दैट इज दिस वन. सो इसको मैं हाथ से ही लगाऊंगी, बस अच्छे से ब्लेंड हो जाए. इसे अभी मैं थोड़ा एडजस्ट करके आऊंगी. बाय बाय. डन विथ माई अपर एंड लोअर आई लिड. वेट एंड वाइल्ड माई फेवरेट आईब्रो किट यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे वे में ब्लेंड हो जाता है. आईब्रो एंड दिस आईब्रो, इट्स लुक डिफरेंट एंड वेरी नेचुरल. सो आई एम गोइंग टू डस्ट इट ऑफ दिस वेट एंड वाइल्ड माई फेवरेट पैलेट. येलो शेड लग रहा है हाइलाइटिंग एरिया. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रश एंड दिस इज अ कॉन्टोर ब्रश एंड आई एम गोइंग टू डैब इट लिटिल एंड ब्लेंड इट ऑल ओवर माई चीक बोन, ओवर दिस साइड एज वेल. टू ब्लेंड इट ऑन माई फोरहेड. This is my favorite part. This is blush and I'm going to use this Nykaa blush and I'm going to take this both shades as well. So press acche se blend karna hai. Little bit on my nose. Using this Faces Canada, this is my favorite one, and I'm going to spray it on my face. Using Faces Canada mascara. This 05 shade Madras Copy. Done with my makeup. Now time to do my hair. Comb it first. के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ट्रीक्स हेयर सीरम. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट एज वेल. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लिटल अमाउंट, सो इट प्रोटेक्ट्स माई हेयर एज वेल एंड इट गिव्स माई हेयर शाइनी एंड इट ऑल्सो कंट्रोल फ्रीजीनेस फ्रॉम माई हेयर. अच्छे होते हैं. सो
सो आई एम गोइंग टू गो ऑल ओवर माई, जो बचा कुचा हाथ में है वो मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। गोइंग टू टेक अ सेक्शंस फ्रॉम माई हेयर, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू रैंडमली टाई माई हेयर अप। I'm showing a little and randomly I'm going to fold it like this. So I want to give a little yahan pe maine touch diya hai sa curls ko. If I want I can give more, but I want this one only. Alright, so here also I'm going to do like that only. I'm taking the big sections. Alright, so I'm going to do my rest of my hair like that only. I'll be back. So this is my final look. As it is like this, and I really love this hairstyle, and it gives me a very 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 beautiful look. I'll take a lift from here and see you guys in a next video. Till then, take care, bye bye, lots of love, bye bye. Happy birthday.